सबसे पहले बात चीतों की। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन के दिन 5 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था, लेकिन उनमें से 2 चीते लगातार कूनो नेशनल पार्क से बाहर रिहायशी इलाकों में पहुंचे हुए हैं। कूनो के चीतों को फिलहाल तेंदुए से खतरा भी बना हुआ है। 5 दिन से कूनो के बाहर हैं चीते और कूनो रिजर्व में वापस नहीं लौट रहे हैं। हालांकि वन विभाग की टीम दोनों चीतों पर नजर बनाए हुए हैं, उन्हें ट्रैक कर रही है। उवान और आशा पर वन विभाग की टीम की नजरें हैं और दोनों चीतों को शिकारियों से भी खतरा है। बता दें आपको, शिकारियों से भी खतरा है। चीतों को वापस लाने के लिए लगातार वन विभाग की टीम कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक विफल रही है टीम, कामयाबी हाथ नहीं लगी। ना सिर्फ शिकारी बल्कि तेंदुए से भी इन दोनों ही चीतों को खतरा है। संवाददाता नितिन सिंह सोलंकी का रुख करेंगे, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, 5 दिन हो गए हैं लेकिन चीते वापस उस कूनो नेशनल पार्क इलाके में नहीं पहुंच रहे, रिहायशी इलाकों में अपनी मूवमेंट उनको दिखा रहे हैं। वन विभाग की टीम का क्या कहना है? जी बिल्कुल, ओबान चीते को लगातार आज 5वां दिन बताया जा रहा है कूनो नेशनल पार्क से बाहर निकलने में। वहीं कल आशा चीता ही बाहर निकली और जानकारी के अनुसार DFO प्रकाश कुमार वर्मा ने हमको बताया है कि जो ओबान चीता है वो हालांकि पहुरी जंगल के आसपास मूवमेंट कर रहा है। जब हमने पूरे जंगल का एरिया को जानने का प्रयास किया तो DFO ने बताया कि जो कूनो नेशनल पार्क का जंगल है वो ट्राइंगल में बना हुआ है, जिससे चीता जो है पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहा है और हमारी टीमें लगातार वहां पर उनके साथ उसको ट्रैक कर रही हैं। कहीं ना कहीं हमने ये भी जाना कि क्या चीता वहां पर भूखा हो सकता है, तो DFO ने बताया कि हाँ, ये कंफर्म नहीं है कि शिकार उसने किया है, क्योंकि चीता जो है 72 घंटे तक अपना पेट भरा रख सकता है भूखा को शिकार करने के बाद तक। तो उसको कहीं ना कहीं अब कल सूचना मिली कि एक चिंकारा का शिकार किया है और आज एक सुबह काले हिरण का शिकार किया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, पर खतरा शायद बन सकता है जितना क्षेत्र से दूरी बनाते चले जाएंगे चीते, तो कहीं ना कहीं ट्रैक करने में कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। अब रही आशा की, तो आशा चीता जो है बफर जोन के अंदर ही है, कूनो नेशनल पार्क के अंदर ही है। वहीं DFO एक बात और कह रहे हैं कि ज्यादा लोकेशन शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लोकेशन शेयर करना एक कानूनी दायरे के अंदर नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज को ही वो सेव रख रहे हैं कि हर चीज जो डायरेक्टली लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन है, वो शायद हम तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि जो उनकी ट्रैक करने वाली टीम है, जो मॉनिटरिंग उनकी टीम जो कर रही है, वो चीतों को आसानी से ट्रैक कर रही है, हर एक पल की उनके ऊपर नजर रख रही है। कई चीते जो है नदी के पास जा रहे हैं और ज्यादातर क्षेत्र का जो तापमान है वो कुछ ज्यादा भी है, तो कहीं ना कहीं वो ठंडी जगह पर रहना और बैठना उठना पसंद कर रहे हैं, ज्यादातर उनको नदी के क्षेत्र पे देखा गया है। तो ऐसे स्थिति में अगर देखा जाए तो चीते तो अभी सुरक्षित हैं और शिकार भी लगातार कर रहे हैं और टीमें लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं हर पल पल की। जो ओबान चीता है वो पौरी जंगल के आसपास है, जो कि सीवर जिले के अंदर आता है, वहां पर काले रंग का शिकार किया है, तो पौरी की जो पुलिस की टीम है वो भी लगातार उनके लिए सुरक्षा की लगी हुई है। और जो अपडेट अभी तक आई है कि चीते, दोनों चीते सुरक्षित हैं और बढ़िया तरीके से शिकार कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग टीम उनका फॉलोअप ले रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए नितिन, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नितिन हमारे संवाददाता बता रहे हैं लगातार टीम तो मॉनिटरिंग कर रही है लेकिन चीते भी अभी लगातार शिकार कर रहे हैं, लेकिन चीतों को जाहिर है कि खतरा है उन शिकारियों से भी, तेंदुओं से भी। और 5 दिन हो गए हैं लेकिन अभी भी वन विभाग की टीम मॉनिटरिंग कर रही है। देखिए, मादा जो चीता है आशा, वो किस तरह सैर पर निकली है तस्वीरों में नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ ओवान, लेकिन दोनों ही आशा और ओवान दोनों पर वन विभाग की टीम की नजरें। इधर